भाई मेरा प्रोटीन, ये मेरा प्रोटीन, वो मेरा प्रोटीन। भाई प्रोटीन ना हो गया कतई बवाल हो गया ये तो। दोस्तों क्या आपको पता है कि आजकल के बच्चे लोग 4000 का प्रोटीन पाउडर खरीदने के लिए अपनी बाइक तक बेच देते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं और हद तब पार हो जाती है जब काफ़ी नादान बच्चे घर का सामान तक बेचने लगते हैं। तो मेरे छोटे भाइयों, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे प्रोटीन बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं है कि आप घर का सामान बेचकर या किसी से उधार लेकर इसे खरीदो। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देख लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये रोज़ खर्च करके बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अगर आपकी जेब गवाही नहीं देती है तो आपको 4000 वाला प्रोटीन पाउडर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सही नॉलेज की ज़रूरत है। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना, क्योंकि इतनी गहरी और डीप नॉलेज आपको कोई नहीं देने वाला है। तो मान लिया जाए कि आपने 4000 का एक प्रोटीन का डब्बा लिया और उसकी एक सर्विंग आपको 70 रुपये की पड़ी। 70 रुपये, तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, प्रोटीन पाउडर की एक सर्विंग 60 की भी हो सकती है, 80 की भी हो सकती है और 100 रुपये की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम न तो ज़्यादा सस्ता और न ज़्यादा महंगे की बात करेंगे, हम मीडियम रेंज यानी 70 रुपये मान के चलते हैं। यानी दोस्तों 70 रुपये रोज़ खर्च करके आपको प्रोटीन कितना मिला? सिर्फ 24 ग्राम। किसी में 25 भी होता है, किसी में 22 से 23 ग्राम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम 24 ग्राम को मान के चलते हैं। यानी 70 रुपये रोज़ खर्च करके सिर्फ 24 ग्राम प्रोटीन, भाई गरीब आदमी तो यहाँ पर लुट गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये रोज़ खर्च करके आप 50 ग्राम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मजाक लगेगा। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। देखो दोस्तों, आपको किस तरीके से भ्रमित किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए कि आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया, आपने अपने ट्रेनर से पूछा कि भाई मुझे प्रोटीन में क्या लेना चाहिए, तो वो आपको सीधा प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह देगा। वो आपको कभी भी सस्ती चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आपको वो घरेलू चीज़ों के बारे में बताएगा तो आप प्रोटीन का डब्बा नहीं लोगे, और जब आप प्रोटीन का डब्बा नहीं लोगे तो उस बेचारे का कमीशन मारा जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये रोज़ खर्च करके कैसे आपको 50 ग्राम प्रोटीन हासिल करना है। तो 50 ग्राम प्रोटीन हासिल करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें खरीदनी है, जो कि आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। पहली चीज़ आपको लेना है 50 ग्राम सोया चंक, और दूसरी चीज़ आपको लेनी है 100 ग्राम मूंग की दाल साबुत। दोस्तों 50 ग्राम सोया चंक आपको सिर्फ 10 रुपये के पड़ते हैं, और इसमें आपको प्रोटीन मिलता है पूरे 26 ग्राम, वो भी फैट फ्री। और इसमें हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। और दोस्तों 100 ग्राम मूंग दाल भी आपको सिर्फ 10 रुपये की पड़ती है, और इसमें प्रोटीन आपको मिलता है पूरे 24 ग्राम। प्रोटीन के साथ में इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो कि अच्छे शरीर का निर्माण करने के लिए ज़रूरी हैं। अब दोस्तों 26 ग्राम प्रोटीन आपने 50 ग्राम सोया चंक से लिया और 24 ग्राम प्रोटीन आपने 100 ग्राम मूंग दाल से लिया, तो दोनों के प्रोटीन को मिलाकर टोटल हुआ 50 ग्राम। अब दोस्तों एक तरफ 70 रुपये में 26 ग्राम प्रोटीन है और दूसरी तरफ 20 रुपये में 50 ग्राम प्रोटीन है। फैसला आपको करना है कि 70 रुपये में 26 ग्राम प्रोटीन खरीद के डिप्रेशन में जाना है, या फिर 20 रुपये में 50 ग्राम प्रोटीन लेकर हैप्पी रहकर अच्छी बॉडी बनाना है। अरे भाई अभी रुको, भागो मत, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मेन चीज़ बाकी है। तो दोस्तों मेन चीज़ ये है कि जब भी हम किसी फूड को पकाकर खाते हैं तो उसका प्रोटीन कम हो जाता है। अब आपको इन दोनों चीज़ों को कैसे यूज करना है जिससे कि इनका प्रोटीन न्यूट्रिशन वैल्यू कम ना हो, तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम मूंग दाल को रात को अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगोकर रख लेना है, और कसरत करने से 1 घंटा पहले आप इसको
प्री वर्कआउट में ले सकते हैं। तो इससे आपको प्री वर्कआउट में प्रोटीन भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, जो कि वर्कआउट करने के दौरान आपको एनर्जी देगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वर्कआउट की। दोस्तों, पोस्ट वर्कआउट में हमें 24 से 25 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन पोस्ट वर्कआउट में हमें फैट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके पास सोया चंक सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फैट जीरो होता है। तो आपको सबसे पहले 50 ग्राम सोया चंक लेना है और इसे 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख लेना है। उसके बाद इसका पानी निचोड़कर इसमें आप कार्बोहाइड्रेट के लिए एक कटोरी चावल मिक्स करें और थोड़ा बारीक कटे हुए वेजिटेबल मिक्स करके इस डिश को तैयार करके कसरत करने के बाद में ले सकते हैं। बस इसमें तेल की मात्रा आपको ना के बराबर रखनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप 20 रुपये रोज़ खर्च करके 50 ग्राम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। हेल्थ से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।